आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। चौकीदार का काम दिया है, अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, नोटे कपबोर्ड में भर भर करके बैठे थे, बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे, बताओ। ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ ना होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते जी। अभी भी इसी फिराक में है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। जब तक 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है, देश को लूटने वाले हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, उंगली नहीं उठा पाएंगे। आपको काफी तकलीफ हुई है, तकलीफ कम नहीं हुई है, बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन उसके बाद भी यह देश ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया, इससे बड़ा देश का सौभाग्य क्या हो सकता है।